आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? ये की बोले? ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं, आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।